नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कान्हा जी की गर्मियों में सेवा कैसे की जाती है। इतने दिन से वीडियो मेरी नहीं आ पा रही थी, तो क्योंकि मैं यहाँ थी नहीं, मैं गुजरात गई हुई थी द्वारकाधीश और सोमनाथ के दर्शन करने के लिए गई हुई थी, इसलिए कोई वीडियो नहीं आ पाई। आप देख ही रहे होंगे कि राधा और कृष्ण की जो ड्रेस है वो भी मैंने नहीं बदली है। वो ड्रेस मैं अब इनकी बदलूंगी, क्योंकि 6 तारीख से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो इनके कपड़े मैं अब एक दो दिन में बदल दूंगी। नेक्स्ट वीडियो आपको कोशिश करूंगी कि राधा रानी और कान्हा जी के कपड़े बदलने वाली ही आपको मिले। तो अब बात करते हैं कि गर्मियों में सेवा कैसे की जाए कान्हा जी की। चीकोज रेसिपीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टैप करें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जैसा कि आप सबको पता ही है, गर्मियां आ ही गई है, तो कान्हा जी की गर्मियों में सेवा भी विशेष रूप से की जाती है। और इनकी सेवा जो इनके स्नान से ही शुरू हो जाती है। सर्दियों में तो हम इनके लिए हल्के गर्म पानी से स्नान करवाते हैं, लेकिन गर्मियों में हम इन्हें ठंडे पानी से स्नान करवाते हैं। ठंडे पानी का मतलब ये नहीं कि फ्रिज का पानी हो या बहुत ही ठंडा पानी हो, उससे स्नान करवाएं। तो इन्हें हमें नॉर्मल जो पानी होता है उसी से ही स्नान करवाना है, और उसके अंदर आप गुलाब की पंखुड़ियां भी डाल सकते हैं। तो पानी में गुलाब जल डालकर भी इनको स्नान करवा सकते हैं, जिससे कि गोपाल जी को ठंडक महसूस हो। और इनके चंदन का श्रृंगार भी करें। मैं तो जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती है तो मैं इनको कपड़े नहीं पहनाती, खाली लंगोटी पहनी होती है, और पूरा श्रृंगार इनका चंदन से कर देती हूँ, ताकि इनको ठंडक महसूस हो। फिर उनको भोग की बात आती है। कुछ लोग पूछते हैं कि मैम इनको ठंडा दूध पिलाना चाहिए या नहीं। जब गर्मियों में आपके बच्चे भी ठंडा दूध पीते हैं, तो हम गोपाल जी को भी ठंडे दूध का भोग लगा सकते हैं, या आप घर में ही अलग अलग तरह के शेक बनाएं और गोपाल जी को पिलाएं। ठंडा दूध केसर बादाम वाला बनाएं, वो भी बनाकर पिला सकते हैं। कुल्फी भी खिला सकते हैं, आइसक्रीम भी आप गोपाल जी को खिला सकते हैं। और इनको कपड़े ये नहीं है कि रोज़ रोज़ इनको हैवी कपड़े पहनाए जाएं, जरी वाले। कोई फंक्शन हो या कोई घर में उत्सव हो उसमें पहनाए जाते हैं, लेकिन ये नहीं कि रोज़ रोज़ इनको जरी के कपड़े पहनाए जाएं। जब हम नहीं पहनते तो हम इनको क्यों पहनाएंगे। तो कपड़े भी इनके हल्के ही रखें, नेट के हो सकते हैं वो कपड़े, या कपड़े कॉटन के हों, इन्हें वो ही पहनाएं। अब बात करते हैं कि कान्हा जी को कैसे सुलाया जाए। जहां आपके बच्चे सोते हैं इन्हें वहीं सुलाएं, या कोई नहीं भी सो रहा तो इनके लिए पंखा हमेशा चला कर रखें, या कूलर में अगर आप सो रहे हैं या एसी में सो रहे हैं, तो कोशिश करें कि इन्हें भी आप वहीं पर सुलाएं, ताकि इन्हें भी ठंडक महसूस हो। क्योंकि हम भी अपने घर के बच्चों को कभी भी गर्मी में नहीं सुलाते हैं। दोपहर के खाने में आप इन्हें दही और छाछ का भोग जरूर लगाएं, जिससे कि इन्हें भी ठंडक मिले और इन्हें भी अच्छा लगे। क्योंकि गर्मियों में हम भी जब छाछ वगैरह पीते हैं तो हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है। स्नान करवाने के बाद आप इनके ऊपर चंदन का या केवड़े का इत्र जरूर लगाएं, क्योंकि गर्मियों में केवड़ा और चंदन ही लगाया जाता है, जिससे कि बहुत ही ठंडक महसूस होती है। गर्मियों में आप कोशिश करें कि इनको 12 बजे सुला दें और शाम के 5 बजे तक इन्हें उठाएं। रात को फिर आप आरती करने के बाद इनको दूध का, ठंडे दूध का भोग लगाकर इन्हें सुला दें। तो मैंने आपको बताया कि सुबह तो इनको स्नान कैसे करवाना है। स्नान करवाने के बाद इन्हें हमें ठंडे दूध का भोग लगाना है। फिर दोपहर में जो हम खाना खाते हैं बिना लहसुन और प्याज का, उसी का ही भोग लगाना है। खाने में दही हो सकती है, छाछ भी आप दे सकते हो। फिर शाम को जब आप इन्हें उठाएंगे, जब भी आप इन्हें ठंडा पानी जरूर पिलाएं, और इनके पास पानी का एक लोटा या गिलास, जिसमें भी आप पानी रखते हैं, ठंडा पानी जरूर रखें, और पानी में तुलसी भी जरूर होनी चाहिए जब भी आप इन्हें उठाएं। और इन्हें जल ग्रहण जरूर करवाएं, यानी कि इनको जल जरूर पिलाएं। और शाम की आरती के बाद आप इन्हें ठंडे दूध का भोग लगाकर सुला दें। तो ये थी गर्मियों में कान्हा जी की दिनचर्या, हमें कैसे उनकी सेवा करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।